एक समय था, एक दौर था जब सलमान खान की कोई पहचान नहीं थी इंडस्ट्री में। लोग सलमान के साथ काम करने से इतराते थे। उनका ना तो कोई नेम था और ना ही कोई स्टारडम। इनफैक्ट उन्होंने खुद बताया था कि कैसे जूही चावला ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था और उन्हें इस बात से कितना कष्ट हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से चलता है और सलमान ने वक्त के साथ अपने मेहनत, लगन और डेडिकेशन से अपना इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टारडम खड़ा कर दिया। और अब सलमान खान खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें फिल्म में किसको सिलेक्ट करना है। और हम किसी भाई किसी जान को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि किसी भाई किसी जान के जितने भी कास्ट हैं सब सलमान भाई ने चुना है और मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई है। तो ऐसे में जब सलमान खान इंडस्ट्री के भाईजान बन गए हैं और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में उनका स्टारडम है, तो वो कुल कितने संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन उससे पहले हम सलमान भाई के लाइफस्टाइल के बारे में संक्षिप्त विवरण देंगे। देखिए, सलमान खान काफ़ी ईमानदार और नेक दिल के इंसान हैं और लोगों का मुसीबतों में मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा स्टारडम होने के बावजूद सलमान खान बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। वह अभी भी खुद एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहते हैं और किसी भी तरह के लग्जरी को पसंद नहीं करते हैं। सलमान खान की मुख्यतः कमाई उनके फिल्मों, बिग बॉस टीवी शो और ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है। वह एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए लेते हैं। 57 वर्ष की उम्र में सलमान अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने NGO बिंग ह्यूमन फाउंडेशन में दान दे देते हैं। सलमान खान की स्टोरी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कैसे उन्होंने अपने लाइफ को इस काबिल बनाया है कि जो लोग उनको फिल्मों में लेने से रिजेक्ट करते थे आज वो उनके सामने घुटने टेक देते हैं।